गुड मॉर्निंग टेंसी बेटा, आज आप करना है बहुत अर्थक शब्द, ठीक है। कल आप किया सी बोली चैप्टर, ओके, ओदे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डन, उन्होंने अपनी असाइनमेंट नोटबुक पे लिख लियो। सो आज भी ये वाला काम आप असाइनमेंट नोटबुक पे ही करना है, ठीक है। पहला असि किए सी 1 to 25, अज आप करेंगे 26 to 50, जिन्हें अज हो गए, ठीक है। तो जेडे रह जाएंगे आप कल करांगे असाइनमेंट यदि, ओके। आज सिर्फ आप वैसे ही करांगे। सो तुसी अपनी नोटबुक पे कोई 5 लिख लो, जिड़ी कल वाली असाइनमेंट है वो सारी लिखनी है, ठीक है। आज सिर्फ कोई 5 कर लो। और रोल नंबर 2, 27 and 37, 10C अपनी कॉपी जल्दी भेजो मैनू विद इंडेक्स, ओके। सो देखो नेक्स्ट है सूत, एनी 5 कल दी असाइनमेंट लिखनी है, बस कल असाइनमेंट करवाऊंगी, ठीक है। सूत सूत मतलब राइट। सो सूत मतलब की हुंदा है, एक ता हुंदा है कि जिस तरह थानू सूत समेत, हाँ ब्याज हो सकता है, जिस तरह थानू कहता जावे कि मैं सूत समेत उनू पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है, ब्याज हो सकता है। या एक होर सूत जिदा थोड़े मम्मी कहने ने कि मैं अज तेन सूत करके हटांगी, मतलब सही करना, हाँ जी। या एक कपड़े का स्टफ हुंदा है, सूती कपड़ा, ठीक है, वो हो सकता है। या एक सूत हुंदा, एक धागा हुंदा, सूत कतना, ठीक है, जिस तरह आप चरखा कतते ना, सूत कतना, राइट। तो इतने देखो थोड़े लिखा हुआ है खिची, निहंग सिंह ने एकदम तलवार सूत ली सी, खिच ली सी, ठीक करना। और मैं थोड़ा ऑलरेडी दस चुकी हाँ, जिस तरह पुलिस चोरों को सूत करती है, या कोई थोड़े मम्मी कह देंगे सूत किया जाता है थानू, या सूत्र सूत अटेरना नहीं आता, मतलब चरखा चलाना तो वो जो थ्रेड निकलता है वो अजकल ट्रेंड विच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है संग, संग एनी 5, ठीक है। और संग 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 जाना, शर्म जाना, साथ, यस, संग मतलब साथ। और शांतनु संग, एक किसी का साथ, एक शर्माना, और एक वो नहीं होता संगमरमर नहीं होता, ताजमहल जेड़ा मार्बल लगा हुआ संगमरमर का पत्थर का नाम, वो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हस, हस हसना, एक और है, देखो एक तो काफी वोकैबुलरी जड़ी पास हो सकती है, राइट। एक है गले दी हड्डी, इत्थे एक हड्डी हुंदी उहदे विच पानी हुंदा है, ठीक है, उहनूं आपां हस बोलदे हां, राइट। एक है एक तरह दा गहना, शीला ने सोने दा हस पाया होया है, ऑर्नामेंट है जिहड़ा गले विच पाया जांदा है, इह तीन ही है, ठीक है। वाक तुहानूं आणे नहीं हो, पर जे कल थानूं मैं असाइनमेंट करावांगी तो उहदे विच दस्सिया जा सकदा है कि किस तरह थानूं आ सकदे ने, ठीक है ना। मतलब कोई थानूं सेंटेंस पुछा जा सकदा है, ओदे विचों ओदा मीनिंग पुछा जा सकदा। सपोज उहने इह है कि कुड़ी ने सोने दा हस पाया होया है, ठीक है, एक वाक आ गया, ओदे विचों थानूं पुछा जा सकदा है कि इस विच किहड़ा बहुअर्थक शब्द वरत्या गया है, सो किहड़ा होएगा हस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਪੇਪਰ,
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PT1 ਸੀ, PT1 ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नेक्स्ट हार फोर, हाँ फुलां दा हार, नेक्स्ट हाल 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 हालत तो थोड़ा हाल चाल फोर, हाँ बड़ा कमरा हॉल जिन्हों आप कह रहे हैं फोर हाल। हाँ जी हाल इत्थे लिखा है बड़ा कमरा हालत, एक आप कहने हाल दी घड़ी ठहर जाओ, असी कहने है ना हुण दी घड़ी, मतलब थोड़े समय लिए तुसी ठहर जाओ। क्लियर है? ए ना चाहे थानू CBSE विच जिस तरह मर्जी आन, पर मैं जिन्ने लिख रही हाँ मैं उन्हां दा एक एक वाक पूछना जरूर है सारे नू, ठीक है? CBSE दे अकॉर्डिंगली फिर तो तुसी इन्ना ज्यादा तैयारी करोगे नहीं, पर इत्थे थानू प्रॉपर वे दे नाल तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट कही कही, हाँ ठीक है, खेती का एक संद जिहदे नाल खेती की जाती है, मिट्टी पुट्टी जाती है। होर मैं तुहानू गल कही कहना, ओके होर खेती का संद कहना, बुक विचो देख लैने आ किस तरह का। अर्जन ने कही गल की सी कि सारे हसते, इत्थे कही लिखिया सी हारे दे नाल, मतलब कही गल की सी किद्दां दी गल की, ठीक है? तो मेहुल ने किद्दां दी गल की, डैश 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 पूरा करो उन मुहावरे नूं, ठीक है? नेक्स्ट कच्चा कच्चा, ठीक है आण पक्या, होर कच्चा होना मतलब एक कच्चा होना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है? एक कच्चा होना जरा तुसी कह रहे हो अमृत, मतलब दिल कच्चा कच्चा हो रहा है, ठीक है? मतलब आपा ठीक फील नहीं कर रहे। होर वो आपा कैद विच लैने आ कक्के नू दुलावा एड़ा, होर कच्चा। आपा ये भी कहने ना कि तुसी हले कच्चे हो, कहने मतलब कि तुसी हले इन्ने हाँ मैच्योर नहीं हैगे, तुहाडे विच हले बचपना है, ठीक है? और नजर भी आंदा है चाहे तुसी जिड्डे मर्जी वड्डे हो जाओ। क्लियर? ओ नहीं मतलब कि कह लो कि ना समझ कह सकते हो तुसी, ठीक है? एक तुहाडे लिखा झूठा होना कि कोई किसी ने तुहाडा सच फड़ लिया, तुसी ओहदे सामने कच्चे हो रहे हो, ठीक? नेक्स्ट लिख लो, एक लिखा होया है हल्का, मेरे कपड़िया का रंग कच्चा सी, फेड हो गया रंग, ठीक है? ये चार लिखे हुए ने। नेक्स्ट है कच्छ, एक जेड़ा ओ जिन्हां ने किता होंदा ना पांच ककार, ठीक है? कशहरा फोर, एक अंडर आर्म्स उनो भी कह देंदे आ, ठीक है? बांह दा हेठला हिस्सा, एक वेले घूमना के इत्थे तुहाडे लिखा है कि लिख लो जगह दा नाम लिख लो, ठीक है? इत्थे लिखा है
ਰਮੇਸ਼ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਲੀ ਕਲੀ ਪੇਂਟ ਹਾਂ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲੋ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਲੀ ਹਨਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਕਲੀ ਕਰਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚ ਹੈਗਾ ਕਲੀ ਚੋਟਾ ਉਹ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੰਚੇ ਜਸਲੀਨ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਡ ਔਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਈਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਟ ਕਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕਾਟ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਟ ਉਹ ਕਾਟ ਆ ਇਹ ਕਾਟ ਆ ਗੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਟ ਉਹ ਕਾਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਟੌਤੀ ਉਹ ਕੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਘਾਟ ਇਹ ਕਾਟ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਾਲ ਕੱਟਣਾ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਟਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਗਲ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾਲਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਥੁੜ ਥੁੜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਭੂਤਕਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਗੇ ਤੇ ਕੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਗਪਾਲ ਤੂਤ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਰਦਿਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਤੂਤ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ
Stand properly. एक मिनट बच्चा अच्छा चिराग संग साहर्ष संग सेकंड एक दस दिता चिराग ने संग मतलब साथ होर संग और दसो ना साथ ते हो गया साथ ते हो गया यस निशान निशान शर्माना ठीक है शर्माना ओके और पत्थर दा रंग ठीक है सक्षम सक्षम पत्थर का नाम संगमरमर नाम है पत्थर का हाँ पत्थर की किस्म भी लिख सकते हो नेक्स्ट हस ना हसना ठीक है हाँ जी गहना ओके गले की हड्डी ओके ठीक है बैठो यस रिशद वोरा जस्ट वेट हाँ जी रिशद कम गले की हड्डी ठीक है और बंदा साहब ने तीन ही बताए थे ओके मैम ये जो बहुअर्थक शब्द है ये कितने आ रहे हैं बेटा बहुअर्थक शब्द होते हैं जिन्हां दे बहुत सारे अर्थ होण बहुअर्थक एक थानू दिता जावे वर्ड उहदे अग्गों दी सेम मीनिंग जिहड़े हन उहदे अलग अलग निकलन समान अर्थक का सेम हुंदा बहुअर्थक मतलब अलग अलग ए अर्थ बोध हुंदे ने मतलब अग्गों दी किन्ने ज्यादा जिस तरह आपां कह लईए विरोधी शब्द ठीक है ऑपोजिट बहुअर्थक मतलब एक अर्थ एक शब्द दे होर बहुत सारे अर्थ हो सकते ने ओके रिशद मैम ये कितने आने हैं बच्चे इना दी इस बारी कोई लिमिट नहीं है कोई लिमिट नहीं है जिन्ने कर लोगे उन्ने ही थोड़े ओके आने बुक विचो दी है ऑब्वियसली बुक विचो ही आएंगे पर बुक विच भी बहुत सारे देते हुए आपा रोज से दस दस भी करिए दस दस भी तुसी अगर क्लास विच चंगी तरह ना सुन लो ना ते तुहानू लर्न करन दी कोई जरूरत नहीं पैनी कल जिद्दां तुसी कह रहे सीगे कि मुहावरे लर्न करन दी जरूरत पैनी है किद्दां पै सकदी है मुहावरे भी साडे थोड़े जिहे रहिंदे सीगे ना ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਰਨਾਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਹਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬੈਠੋ ਨੈਕਸਟ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨੈਕਸਟ ਕੱਚਾ अंब हले कच्चा है पक्या नहीं है अनपक्या है यस जया कली सिमन कली कली मतलब एक बर्तन नू कली कितनी जांदी है एक दीवार पे कितनी जांदी है कली रंग करना इनू कह रहे हैं एक कली एक फुल फुल नू भी कह सकते हो तुसी हां जी हां लिख सकते हो इथे मैं देख लैनी इहदे विच की लिखा है एग्जैक्ट इथे सफेदी लिखा होया है भांड्या नू करन वाली धात एक मेटल का नाम है ठीक है और एक खेड का नाम उन्हें भी आप कली कहने हाँ ठीक है लास्ट नवनीत काल काल समा ठीक है मौत का समा एक होर सी थोड़ किसी चीज की कमी थोड़ नहीं लिखना ते कमी लिख सकते हो ठीक है अनाज का काल पै गया अकाल पैना भी लिख सकते हो ठीक है उदा भी लिख सकते बैठो क्लियर है बच्चे अज आप फिलहाल इन्नी करांगे बाकी आप कल करांगे विद असाइनमेंट काट बच्चे ओ कग्गे दे नाल अमृतपाल एक काट है काट की हुंदा कटौती तोड़ ठीक है मतलब थोड़ी गल दा कोई काट नहीं है जो तुसी गल कह दित्ती ओ बिल्कुल सच है एक हुंदा कटौती कुछ परसेंट कटना एक काट मतलब कपड़ा कटना कि दर्जी कपड़े दी काट कर रहा है ठीक है चाहे आप हिंदी च ओनू काट ना बोलते पंजाबी च भी काट ही हुंदा काट है काट नहीं है कटौती क्लियर हां जी एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस हिमानी मैम इनके सेंटेंसेस भी याद करने हैं सेंटेंस बच्चे याद नहीं करने पर थानू पता होना चाहिए है एमसीक्यू आने ने सो सेंटेंस नहीं आएंगे बट स्कूल विच किस तरह पेपर होंगे कुछ नहीं किया जा सकता ठीक है सो सेंटेंसेस नू बस रीड कर लियो लर्न ना करियो ज्यादा जरूरी है मीनिंग लर्न करने क्लियर यस प्रशांत मैम कली के शब्द रिपीट करना बहुवार्थक कली एक पांड्या नु करन वाली तात पांड्या नु कली करन वाली तात आजकल ता की ओनू कहंदे आ नॉन स्टिकी वगैरह आ गए पहला की हुंदा सीगा जेदे कोई बर्तन वगैरह कुछ ओदा रंग वगैरह उतरे हुंदा सी ना ते ओ घर घर आंदे सी तो पांड्या नु कली करदे सीगे एक हुंदा सफेदी सफेदी मतलब रंग करवाना जेड़ा तुसी करवांदे हो अपने घरां विच ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੀ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
लिख सकते हो तुसी। राइट जी, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।